सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। इस सीरीज में हम आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स की जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ ब्रह्मोस की बूस्टर मोटर को भारत में ही निर्मित करेगी। सुखोई SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद भारतीय वैज्ञानिक मिसाइल को और अधिक स्वदेशी बनाने पर काम कर रहे हैं और इसलिए पुणे में स्थित हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL के साइंटिस्ट भारत के बूस्टर मोटर को स्वदेशी तौर पर निर्मित करेंगे। डीआरडीओ के आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जनरल PK मेहता ने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में HEMRL ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली बूस्टर मोटर जॉइंट वेंचर पार्टनर रशिया के द्वारा सप्लाई की जा रही है, लेकिन अब इस बूस्टर मोटर को स्वदेशी तौर पर भारत में ही निर्मित किया जाएगा और इस बूस्टर मोटर के डेवलप हो जाने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल में बड़ी संख्या में इंडिजीनियस कॉम्पोनेंट शामिल होंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खरीद की समीक्षा की है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने कई प्रमुख मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की खरीद की समीक्षा की है। हम आपको बता दें कि DAC रक्षा मंत्रालय की खरीद पर अधिकतम निर्णय लेने वाली संस्था है और सूत्रों के मुताबिक DAC ने तीनों सेनाओं के लिए उपकरणों के अधिग्रहण और मिलिट्री हार्डवेयर में कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया है और सरकार जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के लिए सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया जारी है। 2018 की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा से स्कॉर्पियन सबमरीन की बिक्री में गिरावट होने की उम्मीद है। ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन 2018 की शुरुआत में भारत की यात्रा पर होंगे और उनकी इस यात्रा से इंडियन नेवी को कम से कम 3 अतिरिक्त DCNS स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स की संभावित बिक्री में गिरावट आने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि फ्रेंच प्रेसिडेंट की ये यात्रा पहले दिसंबर में होनी थी, लेकिन फिर इसे बाद में 2018 तक पोस्टपोन कर दिया गया था। इसरो चीफ ने कहा, भारत का पहला सूर्य मिशन 2019 के लिए शेड्यूल किया गया है। भारत 2019 तक अपने पहले सूर्य मिशन के लिए तैयार है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन AS किरण कुमार ने कहा कि भारत का पहला सूर्य मिशन, जिसका नाम आदित्य L1 है, इसे 2019 में शुरू किया जाएगा और उन्होंने कहा, फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी अपने स्टडी फेज में है। इंडियन नेवी को मिली पहली वुमेन पायलट और 3 वुमेन नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट ऑफिसर्स। उत्तर प्रदेश की शुभांगी स्वरूप को इंडियन नेवी की पहली वुमेन पायलट के रूप में इंडक्ट किया गया है और इसके साथ ही अन्य 3 वुमेन कैडेट्स को न्यू दिल्ली की आस्था सहगल, पौंडीचेरी की रूपा ए और केरला की शक्ति माया S इंडियन नेवी की नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट ब्रांच यानी NAE ब्रांच को ज्वाइन करने वाली पहली 3 वुमेन ऑफिसर्स बनी है। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।